कोरोना संक्रमण काल में लॉकडाउन के कारण देश के सभी व्यापार ठप हैं। इसमें शिक्षा नगरी कोटा में भी इसी तरह के हालात हैं। कोटा रेड जोन में शामिल है, लेकिन धीरे धीरे यहां पर सभी प्रतिष्ठान खुलने लगे हैं। इसी के तहत कोटा की शान कही जाने वाले लजीज कचौरी फिर से बाजारों में बनने लगी है। शहरवासियों को कचौरी का स्वाद चखने का 2 महीने से बेसब्री से इंतजार था। कोटा की कचौरी का देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी नाम है। यहां से मलेशिया, स्विट्जरलैंड, कैनेडा, अमेरिका तक कचौरी जा चुकी हैं। ऐसे में इन कचौरियों का किस तरह से शहरवासियों को इंतजार था, इसकी जानकारी हमारे संवाददाता योगेंद्र महावर देंगे। कोरोना के संक्रमण काल में कोटा भले ही रेड जोन में है, लेकिन शिक्षा नगरी कोटा में जिंदगी एक बार फिर से पटरी पर लौटने लगी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कोटा की शान और कोटा की जान कही जाने वाली कचौरी अब यहाँ पर बनना शुरू हो गई है, जिसका शहरवासियों को 2 महीने से बेसब्री से इंतजार था। यहाँ पर कचौरियां बन रही है, पूरे कोटा शहर में कई दुकानों पर कचौरियां बनाई जाती है और दूर दराज से लोग कचौरी यहाँ पे खरीदने आते हैं। दूर दराज से ही नहीं, विदेशों तक कोटा की कचौरियां मशहूर है और वहां तक जाती है। हालांकि कोटा के पानी की इसमें मिठास कही गई है कि कोटा का पानी जो है कचौरियों को स्वादिष्ट बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन जिस तरह से कोरोना काल चला हुआ था उसी तरह से कोटा में भी दुकानें वगैरह सब बंद थी, इस वजह से लोग कचौरी का स्वाद नहीं ले पा रहे थे। लेकिन अब जिस तरह से वापस कचौरी दोबारा मार्केट में उतरने लगी है, लोग यहां से खरीद रहे हैं, गर्मा गर्म कचौरी खरीद रहे हैं। हालांकि लॉकडाउन के चलते जो समय है उसको निर्धारित किया गया है, लेकिन फिर भी लोग जो है लगातार कचौरी खरीद रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है जो लगातार यहाँ पे कचौरियां बना रहे हैं। अच्छा, जिस तरह से कोरोना काल चल रहा था, 2 महीने तक बिल्कुल बंद हो गया था, व्यापार ठप हो गया था, किस तरह का इंतजार था लोगों को कोटा की कचौरी? सर, उसमें आते ही कचौरी, मतलब जिस दिन चालू हुआ हमने 14 तारीख को कचौरी बनाना स्टार्ट किया। 14 तारीख को बहुत अच्छी सेल थी कचौरी की, लोग उमड़ रहे थे कि कचौरी मिले कचौरी मिले, 2 महीने से नहीं खाइए। अच्छा, जिस तरह से सरकार ने भी 7 से 7 का टाइम कर रखा था, लेकिन अब उम्मीद जताई जा रही है कि ये बढ़ेगी, तो किस तरह की उम्मीद लगती है? क्योंकि लोग वक्त शाम को आते हैं, गर्मी का मौसम बहुत है और शाम को 6 बजे बाद ही लोगों का घरों से बाहर निकलना होता है, तो किस तरह की भीड़ आपको शाम को दुकानों पर देखने को मिलती है? शाम को सर 6 से 8-9 बजे तक बढ़िया दुकानदारी रहती है इसकी, कचौरी की और मिठाई की, नमकीन की, इनकी सबकी अच्छी दुकानदारी रहती है शाम को, क्योंकि दिन में क्या गर्मी इतनी तेज है तो आदमी निकल नहीं पाता इस गर्मी के कारण, तो वो 6 बजे बाद ही निकलता है आदमी। और 6 बजे अभी तक तो 6 बजे तक बंद है, पर अभी सरकार ने करा है 9 बजे तक का टाइम, तो देखो क्या होता है। तो निश्चित तौर पर एक तीखापन जरूर रहता है कोटा की कचौरी में, और यहाँ की कचौरियाँ दिल्ली मुंबई पे सीमित नहीं है, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, कनाडा तक यहाँ की कचौरियाँ जा चुकी है। जो भारत देश के लोग हैं जो अभी फिलहाल विदेशों में रह रहे हैं, वो भी यहाँ की कचौरी के बहुत बढ़िया शौकीन हैं, लगातार यहाँ पर आते हैं और कचौरियाँ लेकर जाते हैं। लेकिन लॉकडाउन की वजह से कहीं ना कहीं व्यापार जरूर धीमा हुआ है, उसके बावजूद जैसे ही व्यापार में तेजी आने लगी है, शहरवासियों को एक बार फिर से कचौरी का स्वाद चखने का इंतजार है और हमेशा ही रहेगा। सहयोगी राजन भारद्वाज और कैमरा पर्सन दीपक के साथ योगेंद्र महावर, A1 TV कोटा।